गाइस गुड मॉर्निंग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको। और मेरा ये शादी के बाद मेरी बहन की पहली राखी है और मुझे घर जाना है। यहाँ शादी के बाद मेरी फर्स्ट राखी है। एक्साइटमेंट आपको पता होगा, होना भी चाहिए। और मैं अपना आउटफिट क्यों बताऊँ आपको, है ना? क्यों बताऊँ मैं अपना आउटफिट आपको? मैं जब पहनूंगी आप तभी देखना कि मैंने क्या लिया है, मैं क्या पहनने वाली हूँ। और आज मैं आपको थोड़ा सा मेकअप वो भी दूंगी, क्योंकि मेरे मेकअप के लिए बहुत मैसेजेस कमेंट्स आते हैं कि अपना मेकअप व्लॉग भी दो। आज जो भी मैं मेकअप करूंगी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ, तो मैं वो भी दिखाने वाली हूँ। और टाइम हो रहा है 9:30, मैं उठी हुई हूँ 8 बजे की। उससे पहले मैं अपना कल वाला व्लॉग एडिट कर रही थी, जो रात को मेरा मेहंदी का और नेल एक्सटेंशन का था उस दिन का। तो मैंने वो एडिट करके डाला है अपना व्लॉग। जाओ जाकर देखो, मेरे सारे व्लॉग देखा करो गाइस, स्किप मत किया करो। और नितेश, मैं 8 बजे की उठी हूँ, नितेश ने मुझे उठाया हुआ है। नितेश गए हैं सैलून में और गाड़ी वॉश कराने के लिए। सैलून और गाड़ी वॉश कराने के लिए गए हैं। तब तक मुझे थोड़ा सा काम है। वैसे तो मुझे मेहंदी लगी हुई, पानी में हाथ डालना नहीं था, लेकिन नितेश वाली बात है कि नहाना भी तो है, तो उससे पहले मुझे कपड़े धोने हैं नितेश के और अपने। अपना मुझे वही मजेंटा वाला सूट वॉश करना है, क्योंकि मैं जो भी मैं पहनूंगी मैं चेंज करके उसके बाद वो सूट पहनूंगी। हाँ, तो तब सबसे पहले गाइस मेरा कमरा रात से ऐसा हो रखा है, मेहंदी पूरे फ्लोर पे। और ये देखो, सबसे पहले हम उसका काम करते हैं। सबसे पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ। 2 जोड़ी कपड़े हैं बस, एक मेरा है नितेश का। मेरा तो वैसे हाथ से धोने वाला था सूट, बट अब क्या करूँ, मैं हाथ से ज़्यादा ऐसे नहीं कर सकती, तो फटाफट वॉशिंग मशीन में एक चक्कर घुमा दूंगी और यही है बस। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मुझे नहाना है, फिर मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद मैं रेडी होऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपना मेकअप थोड़ा सा, कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ, और फिर मैं आपको पूरा तैयार होकर दिखाऊंगी। मेरा फ़ोन मेरे हाथ में से गिर गया था। ये देखो मेरी मेहंदी का कलर, यहाँ पे ना मुझे रचती नहीं है बट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे बहुत लाइट रचती है मुझे, पता नहीं क्यों। अब इतनी तो रचने लग गई, आधी से पहले तो बिल्कुल नहीं रचती थी। ये देखो सुंदर लग रहे हैं ना यार, मेहंदी से, नेल एक्सटेंशन से, है ना? किसी को शो ऑफ करना होता है ना, किसी को शो ऑफ करना होता है अपनी नेल एक्सटेंशन का, तो ऐसे ही ऐसे रहता है, ऐसे खारिश भी लगती है तो थोड़ा ऐसे 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 ना, ऐसे ही रहते थोड़ा फेस पे ऐसे। हाँ तो क्या कह रही थी है ना, ऐसे ही रहता है बस। और मेहंदी कैसे दिखाते हैं लोग, मेहंदी का तो कोई दिखती हो तो वैसे ही दिखती है हाथों पर, नील एक्सटेंशन का, है ना? हाँ क्या कर रही है तू है, ऐसे हो गया था ऐसे ही करके ना थोड़ा होता है चढ़वाना कर ऐसे हंसना भी ऐसे यार गाइस, मतलब हम लड़कियों में कितना वो होता है ना। तो यार मैं क्यों बड़ी बड़ी टाइम पास कर रही हूँ, मैं काम कर लेती हूँ ना, जितनी देर मैं आपसे बात कर रही हूँ उतनी देर मैं अपना काम कर लेती हूँ, करना पड़ेगा गाइस, अब क्या करूँ, है ना? मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, कर लेती हूँ, चलो कुछ नहीं होता। नहाने वाली बात है, नितेश वाली बात की, नहाओगे भी तो तब भी तो पानी लगेगा ना इसमें, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, कर लेंगे, नितेश इतना करते हैं मेरे लिए, है ना बेचारे, बहुत वो करते हैं ना, भाग दौड़ हमेशा, काम। मैं भी कर लेती थोड़ा उनके लिए, अच्छा लगेगा उनको। ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। जैसे कि देखो मैंने अपने कमरे की सफाई कर दी है बिल्कुल, सारे उससे पैर से एक एक पोछा लगाया मैंने, मेहंदी के निशान डाल लिए, फिर भी एक दो ऐसे छोटा छोटा स्पॉट्स कहीं ना कहीं रह गया है। कोई नहीं, वो मैं बाद में देख लूँगी, पहले अभी जाना कहीं, मतलब जाना ज़रूरी है। नितेश के कपड़े धो रहे हैं, जैसे कि इनकी वाइट पैंट धो चुकी है। और गाइस ये वाला सूट जो है, ये वाला निकाला मैंने कोमल दीदी के लिए, जैसे कि आपको पता है कि मेरी बड़ी वाली नंद है कोमल दीदी, तो मैरिड है, तो दीपू का तो छोटा मोटा है, चॉकलेट वॉकलेट दे देंगे, टरका देंगे, लेकिन कोमल दीदी के मैंने ये वाला सूट निकाला। आप बताओ कि आप बताना कैसा है, ठीक है? ये इसका दुपट्टा है और ये
ऐसे नहीं है ये सूट, तो ये मैंने कोमल दीदी के लिए निकाला, पैसे लगा के मैं कोमल दीदी को ये वाला सूट दे दूँगी, और दीपू को तो कुछ भी दे देंगे, दीपू तो 100 रुपये की चॉकलेट में भी मान जाएगी वैसे ना, वो तो बालक है यार अभी, तो इसीलिए स्कूल का कुछ दे देंगे। बाकी ये वाला सूट मैंने निकाल दिया है अपनी बड़ी वाली नंद के लिए, और पैसे लगा के मैं इस पर दे दूँगी जब वो नितेश को राखी बांधेगी। और बाकी मेरा काम हो चुका है, मैंने अपना रूम बिल्कुल संगवा दिया है और कपड़े धो रहे हैं, वाइट पैंट ले ली नितेश की, पंखे के नीचे रख लिया मैंने ताकि जल्दी हवा लग के सूख जाएगी, स्पिन भी कर दी है। अब शर्ट रह गई है उनकी, शर्ट वॉशिंग मशीन में है, और फिर मेरा सूट रह जाएगा। क्या कराना है? तो गाइस नितेश आ चुके हैं डी टेन अब बीएड करा के। आप क्यों गए थे सलून? अच्छा, और उसको आना पड़ता है? राखी तो वो है ना मेरी है, तो हमें भी आता है। देखो मैंने आपके कपड़े धो भी दिए। मैंने धोए आज कितना झूठ बोल रहा है, मैंने सब दिखाया गाइस को, ठीक है? झूठ मैंने सब दिखाया है। हाँ क्या आपने धोए हैं? मैंने धोए हैं, ये देख सकते हो गाइस आप, झूठे। गाइस मैं नहा चुकी हूँ, मैंने शैम्पू कर लिया सर, मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं करने जा रही हूँ मेकअप। और जैसे कि आज मैं कोई हैवी मेकअप नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जैसा भी करूँगी मैं आपको दिखा देती हूँ। और चलो फिर मेकअप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले मैं मेकअप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना हेयर स्टाइल मुझे ना बर्न नहीं कराना, मुझे कर्ल्स कराना है नॉर्मल साड़ी के ऊपर, क्योंकि घर जा रही हूँ कहीं वो ससुराल में थोड़ी हूँ कि साड़ी के ऊपर बर्न वगैरह कराऊँगी, कैरी करूँगी, तो मैं नॉर्मल कर्ल्स करा रही हूँ। और तो मैंने हेयर वॉश कर लिया, तो मेरे पास कर्लर है लेकिन अच्छे अपने हाथ से ना अच्छे होते नहीं हैं, तो मैं इसीलिए अपनी साड़ी रैप कराने और कर्ल्स कराने सैलून जाऊंगी, मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। तब तक मैं अपना मेकअप करके चली जाती हूँ, फिर साड़ी रैप और बस हेयर स्टाइल रह जाएगा। सबसे पहले जैसे कि मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र, तो सबसे पहले हम मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। मेरी स्किन थोड़ी सी, मतलब मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, थोड़ी ड्राई रहती है और थोड़ी, मतलब जो मेरा टी जोन है ना ये वाला ड्राई रहता है, ये वाला ऑयली रहता है और ये वाला ड्राई रहता है, तो मैं इसलिए पहले मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। वैसे कभी भी हमें मेकअप करने से पहले यूज करना ही चाहिए। मैं प्रॉपर तरीके से आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये राखी व्लॉग है, अभी डिमांड आ रखी है, तो मैंने सोचा आज मैं मेकअप कर ही रही हूँ तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ, तो मैं टाइम लैप्स में दिखाऊंगी आपको, तो आप वहां पे देख लेना, ठीक है? मतलब जैसा भी होगा फिर कभी टाइम निकाल के मैं प्रॉपर बनाऊंगी आपके लिए। सबसे पहले मैं आई मेकअप, इस बार मैं आई मेकअप लास्ट में करेंगे, वैसे मैं आई मेकअप वो तो अपनी मर्जी है कि आई मेकअप पहले कर लो या आई मेकअप बाद में कर लो, वैसे मैं हर बार आई मेकअप पहले करती हूँ ताकि जो मैं वो क्या बोलते हैं उसको ग्लिटर लगाती हूँ वो स्पार्कल होता है नीचे, तो इस वजह से, लेकिन आज मुझे ग्लिटर लगाना ही नहीं है तो मैं इसलिए आज पहले मेकअप लगाई। सबसे पहले हम लगाते हैं फाउंडेशन, और गाइस सबसे पहले वैसे तो करेक्शन करते हैं लेकिन मुझे करेक्शन की नीड नहीं है, मेरे फेस पे इतने निशान कुछ है नहीं, तो मैं इसलिए करेक्शन नहीं करती हूँ अपनी, मैं सीधा बेस, मतलब जो बेस होता है मैं वही लगाती हूँ। आप ऐसे फॉर्म में इसको लगा सकते हो, और अगर आपको गाइस आफ्टर फाउंडेशन मैंने बेस अच्छे से अपना यूज जो कि है के टैप टैप करके स्पॉन्ज से अपना सेट कर लिया है, और उसके बाद लगाते हैं ट्रांसलूस पाउडर जिससे आपका मेकअप सेट रहे और आपको क्रीज ना पड़े, ताकि हम जब आई मेकअप करते हैं या फिर कुछ भी हंसते वसते हैं तो क्रीज पड़ती है ना वो ना पड़े। मैंने लगाया अपना ब्लश, और जैसे कि मैं ब्रांड वगैरह नहीं बताऊंगी क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। और आफ्टर क्या ट्रांसलूस पाउडर के बाद हम लगाते हैं ब्लश, और ब्लश के बाद हम लगाएंगे हाइलाइटर, ठीक है? मेरा हाइलाइटर, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट ब्रश जिसको कहते हैं फैन ब्रश, और मेरा जो ये बेक का है पैक का है, और मेरा एक ही शेड में यूज करती हूँ इसमें। और उसके बाद हम लगाते हैं आफ्टर ब्लश के ऊपर हाइलाइटर। गाइस सो सॉरी, जल्दबाजी में मैंने अपना मेकअप कर लिया, आपको दिखाने के चक्कर में रहती ना गाइस तो लेट हो जाती, लेकिन हाँ मैं मतलब प्रॉमिस करती हूँ, जैसे भी मेरे पास कमेंट आया हुआ ना मैं अपना मेकअप ब्लॉग बहुत जल्दी पूरा एक प्रॉपर मेकअप ब्लॉग लेके आऊंगी। अभी मैंने मेकअप कर लिया, ये देखो मैं आई मेकअप, कमेंट करके बताना हाँ अभी मैं पूरी रेडी हो जाऊँ। गाइस मेरे पास, मैं लैशेज ना वो वाले यूज नहीं करती जो मतलब कि टेम्पररी रहते क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते, अब मैं लैशेज एक्सटेंशन नहीं कराऊंगी, अब मुझे बाहर से कराना पड़ेगा, वही कराऊंगी। वैसे भी मेरे लैशेज रियली भी बहुत हैवी हैं, अब बस मेरी रह गई है बिंदी और लिपस्टिक।
गाइस फाइनली माय मेकअप इज डन और आप देख सकते हो मेरा मेकअप, बाकी रील्स में देखना। और मैं जरूर आपके लिए ऐसा मेकअप और अच्छे अच्छे मेकअप लेकर आऊंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे रक्षाबंधन अपने घर जाना है, 3 बज चुके हैं। और अभी मैं ड्रेसअप के साथ आपको फुल लुक भी दिखाऊंगी तैयार होकर, पर अभी मैं हेयर स्टाइल वगैरह रहता है, हेयर स्टाइल सारी रहती है, मेकअप मैंने कर लिया। ठीक है, मिलते हैं आपसे। फाइनली गाइस मैं रेडी होके आ चुकी हूँ और टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, टाइम जो भी 6:30 हो रहे हैं और अभी राखी का कुछ कंफर्म ही नहीं कि राखी है कब की। बाकी ये मेरा आउटफिट था आज का राखी का, आप देख सकते हो और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। बाकी मैं अब जा रही हूँ अपने घर, आपसे जाके मिलते हैं आगे। बाकी पता नहीं राखी दो पता नहीं कौन कौन सा टाइम बता रहे थे, तो पहले हम राखी करा के जा रहे हैं, पहले कराई ले फिर चले जाते हैं। मिठाई तो आई ना प्लेट में, भूल गए नीचे रखी है, नीचे गिफ्ट भी नहीं मिलेगा, ढीले क्या नीचे से लेकर डब्बा देखो वे किसके पैसे कट गए, कटे कुटे कुछ नहीं है, लेने है मेरे को हिल्ले हिल्ले कट गए दीपू के पैसे। गाइस अब टर्न आ गई दीपू की, और दीपू का पेन तो रह गया स्कूल के लिए, बस दीपू नहीं, दीपू का स्कूल का पेन रहेगा, स्कूल का पेन अरे फोटो थोड़ी खींच लिया जब, तो फिर भी फोटो नहीं खींच ली तो क्या हो गया, अर्पण के लाया दीदी के लिए फोन का कवर। दीपू गाना गा दे भैया मेरे भैया मोरे राखी के बंधन को नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा है ना, इसीलिए आ जाएगा। अर्पण लिए क्या, दीपू के लिए गिफ्ट, ये ओ गाइस मेरे भाई ने मेरे को खोल के तो दिखा, आजकल 11 आ कैसे रहा है, 11 का स्टॉक बंद हो गया, नया कैसे आ रहा है 11। ओहो दीपू बंद कर गया, चलो ठीक है, चलो ठीक है दीपू ला। इधर देख पहले क्या लगती हूँ मैं, हाँ तेरे बैलून कौन लेके आया, मिट्टी की शादी है ना, नाचेंगे, कब की है, कल है ना, तेरे डैडी कहाँ है, अच्छा तेरे डैडी है, अच्छा मम्मी कहाँ है तेरी, हाँ मम्मा कहाँ तेरी बता, मम्मा बता दो। अबे यार अब तू मेरे घर चलेगा ना, हाँ मेरे घर चलियो, कर दिया ना उन्होंने, ये सिप्पी है गाइस, ये मेरा भाई है, कि ले गया मेरे पैसे तो दे मम्मी से ले, जिधर ना वही पैसे दे मेरे भाई, मैं 11,000 11,000 राखी बांध दो, फिर राखी भाई बांध रही हूं कुछ ज्यादा राखी बांध गाइस, ये मेरे चाचू है, अच्छा 3 दिन क्या बुला के, चल भाई 5 दिन का नहीं लिया, अरे तू अभी आ जा, अरे गाना तो वाह, पागल हो गया, ये तो मेरे चाचू हैं, बोल ना मन्नू, अरे यार तुम तो काम नहीं करते ना, किसका
पहले टिक्का करते हैं। इसकी राखी, इसकी भी राखी है। हाँ बना तो रहा हूँ। हाँ हाँ लग जाएगा। आप भी तो बांधो, आपका भी तो हो गया जितिन को बांधने का। बांध तो लाओ मैं कैमरे। भी भाई भी ये सारे मत खा लिए। नहीं खा लिया रहता है ना बर्फी, इसमें देख किटकैट विटकैट भी खा मत लिए। अपने घर में जो थाला है ना वो खाइए। इसमें भी देख ले क्या बेटी? हाँ भी देख ले। चांदी जी साइड दो गाड़ी आ गई। स्कूबी सो रहा है मेरा बच्चा। स्कूबो निधि के को नींदी आ रही है भाई। आज मेरे पास मेरा प्यारा बच्चा है, निधि की बहुत अच्छा बच्चा है। आपको पता है आपका नाम इतना अच्छा है स्कूबी, आपको पता है इंस्टा पे आपका नाम कॉपी कर रहे हैं लोग, पता है आपको? पता है इंस्टा पे एक ने डॉगी लिया तो पहले उसका नाम कुछ और था, अब स्कूबी हो गया। मेरी बेटी का, मेरी स्कूबी का नाम देख के देखो नींद नहीं आ गई इसको गाइस, अभी सो रही है। मेरी बेटी मेरी बच्चा, मैंने आपको राखी भी बांध दी थी, आपने कौन निकाल दी? मेरी बेटा मेरी बहुत प्यार बच्चा है, नौजी मेरी बेटी की काली नौजी है ना शोन बच्चा मिया। चलो सोएंगे, चलो 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 चलो। हो रहा है पौने एक, मतलब एक बजने में से 15 मिनट बाकी है और इस ब्लॉग का करते हैं एंड यहीं पे। और जो भी रक्षाबंधन था वो हो गया खत्म, अब चलो भाई अपने अपने घर। और क्या था कि अब आप मुझे पता कि आप कमेंट करोगे कि आपको क्या मिला क्या मेरा, तो गाइज मुझे ऐसी कोई नीड नहीं थी किसी भी चीज़ की। और इनको पता है कि मुझे कुछ चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती है और मुझे फिलहाल तो ऐसी कोई चीज़ की नीड नहीं थी, बाकी सबने मुझे कैश ही दिया है। चलो वो मैं आपको कैश तो क्या दिखाना है आपको, है ना, लेकिन मुझे मिल गया है। और अभी मैं पापा ने तो दिया नहीं है, बाकी जिन मतलब जो चाचू ने दे दिया, बुआ वगैरह ने दे दिया सबने। और पापा मुझे कल देंगे क्योंकि मैं रात को रुक गई हूँ, पापा ने कहा कि कल जाएगी तब देंगे, तो फिर वो मैं बता ही दूंगी आपको कि मुझे मेरे घर से क्या मिला है। बाकी इतना ही था और मेरी इस ब्लॉग को आई होप आपको पसंद आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप देखना। और ये मेरे शायद फर्स्ट ब्लॉग बनाया है अपने मतलब पूरे उसका फैमिली का। और बाकी यही था कि शादी के बाद मेरी पहली राखी थी। और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, जल्दी से 20K करा दो फिर हम केक कट करेंगे। थैंक यू, बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।